वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फोर्थ करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसका अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका यूट्यूब लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिए तब कम टू दिस पार्ट, तो फिर आप अच्छे से समझ पाइएगा। आज फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पूरा एग्जामिन करेंगे कि वहाँ पर किस तरह से पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहाँ पर वो कौन सा पार्टी है सिंगल पार्टी, तो दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वो हम लोग इस पार्ट में करेंगे, पार्ट फोर्थ में। नाउ वी प्रोसीड। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में आप पाइएगा कि क्या है, कैसा है। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन पार्टी सिस्टम। कि चीन की राजनीतिक प्रणाली की विशेषता एक पार्टी प्रणाली की है, कि वहाँ पर बस एक ही पार्टी है, देयर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम। वहाँ पर वो नहीं है कि जैसे आप यहाँ इंडिया में पाते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, कि बहुत सारे पार्टी हैं, या कहीं पर जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में आप पाते हैं कि बाई पार्टी सिस्टम है, कि दो पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर दो पार्टी है। तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर बस एक ही एक पार्टी प्रणाली है, वन पार्टी सिस्टम है चाइना में, और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। प्रोसीड फर्दर। क्या वहाँ पर आप क्या पाते हैं कि माओ मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थॉट इज द गाइडिंग एंड द कंट्रोलिंग फोर्स एंड एजेंसी इन चाइना। कि चाइना में क्या है कि चाइना में माओ ज़ेडुंग, मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचार से ही चीन मार्गदर्शक और नियंत्रण होता है। कि इट फॉलोज दीज प्रिंसिपल्स, थॉट्स ऑफ दीज माओ मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट थॉट्स पर ही पूरा उनका बेस्ड है, और मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी बेस्ड है इन्हीं के थॉट्स पे। प्रोसीड फर्दर। द कॉन्स्टिट्यूशन डस नॉट डिक्लेयर इट्स सुप्रीम पोजिशन। कि हालांकि संविधान कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च स्थिति को स्पष्ट रूप से घोषित नहीं करता है, कि उनके संविधान में नहीं दिया हुआ है कि एक ही पार्टी रहेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना होगा, ये सब संविधान में नहीं मेंशन्ड है। वो नहीं बता रहा है कि सुप्रीम पोजीशन जो कम्युनिस्ट पार्टी आज इंजॉय कर रहा है चाइना में, तो वो इट्स नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिक्लेयर that the Communist Party of China has the supreme position। तो ये आप पाते हैं कि इसकी जो सर्वोच्च स्थिति है वो संविधान में नहीं घोषित है। क्या पाते हैं कि इन प्रैक्टिस द पार्टी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। मगर संविधान में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप क्या पाते हैं कि इन प्रैक्टिस कौन कंट्रोल करता है पूरा गवर्नमेंट को, इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पार्टी, बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कि व्यवहार में पार्टी सरकार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, कि सारा सरकार के जितने भी कार्य हो रहे हैं सब किसके नियंत्रण में हो रहे हैं, किसका कंप्लीट कंट्रोल है, इट्स बीइंग कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कि चाइना के पूरे नियंत्रण में सारा काम हो रहा है, सारा सरकार की जितना भी काम हो रहा है वो सब किसके नियंत्रण में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नियंत्रण। Then the party occupies the position in all the 3 branches of the government। कि पार्टी सरकार के तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में स्थायी रूप से उपस्थित होती है। कि जो 3 branches हैं, being that the legislative, executive and judiciary, the party occupies the position in all these 3 branches। हर जगह देश का पार्टी का सब जगह पहुंच है, पूरा ये सारा कंट्रोल्ड है बाय पार्टी। पार्टी कंट्रोल्स द फुल गवर्नमेंट, इट कंट्रोल्स द ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एंड फाइनली इन चाइना
Nothing can be done either without its consent or against its will. Thus, every organ of the government is under its control, and nothing can be done either without its consent or against its will. इस प्रकार सरकार के प्रत्येक अंग उसके नियंत्रण में है और उसकी सहमति या इच्छा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह आप पाए कि चाइना में क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका पूरा कंट्रोल है ओवर ऑल द स्ट्रक्चर ओवर द गवर्नमेंट ओवर ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक लाइफ। एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नथिंग कैन बी डन विदाउट इट्स कंसेंट और अगेंस्ट इट विल। जो भी वो चाहता है वही काम हो सकता है और कुछ भी नहीं, उसी के इच्छा के उसके इच्छा के बिना कोई कुछ भी कोई भी कार्य नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। प्रोसीड फर्दर। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कि कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो बना हुआ है, उसकी संगठन नात्मक संरचना कैसी है, वो हम लोग अब एग्जामिन करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का। तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये हम आपको पार्ट थ्री में भी पढ़ाए थे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बारे में। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी तरह से संरचित पार्टी है जो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सिद्धांत के आधार पर आयोजित है। वहाँ पर लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है और उसी के सिद्धांत पर ये पूरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है, उसी पर पूरा इसका आयोजित है ये उसके आधार पे। अब ये क्या है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ऐसा हम एक्सप्लेन कर दिए थर्ड पार्ट ऑफ में जब हम लोग फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। मगर अभी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, कि डेमोक्रेसी वेयर देयर इज फ्री डिस्कशन एंड इलेक्शन। फॉर ए कंट्री टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री व्हाट इज नीड टू बी, देयर इज नीड टू बी अ फ्री डिस्कशन एंड इलेक्शन। कि डेमोक्रेसी अगर लोकतांत्रिक है तो वहाँ पर विचार विमर्श और चुनाव की व्यवस्था होती है। और सेंट्रलिज्म फिर क्या हो गया, सेंट्रलिज्म दे हैव टू ओबे द डिसीजंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, के इट्स सेंट्रलाइज्ड इट्स कंट्रोल्ड बाय द दे ऑल हैव टू ओबे द डिसीजंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द लोअर ऑर्गन्स कैरी आउट द कमांड ऑफ इट्स हायर ऑर्गन। उस तरह से सेंट्रलाइज्ड है तो कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय को मानना है, सेंट्रलिज्म है केंद्रीयवाद है तो केंद्रित है सारी शक्तियां किसके पास केंद्रित है, कम्युनिस्ट पार्टी पर, और कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय को मानना है और प्रत्येक निचला अंग अपने ऊंचे अंग के आज्ञाओं का पालन करता है। और वही हम लोग देखेंगे किस तरह से सब अंग जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से है और एवरी द लोअर ऑर्गेन दे ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हायर ऑर्गेन। जो नीचे निचला अंग है वो अपने ऊंचे अंग के आज्ञाओं का पालन करता है। तो वही हम लोग अब यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। देखिए सबसे नीचे अंग कौन सा है, वो है द सेल और द प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसको PPOs भी कहते हैं। तो सबसे निचले स्तर पर यही है, इसको कहते हैं प्राथमिक पार्टी संगठन। There is a cell. It is located. Where are these cells or primary party organizations? It is located in factories, offices, schools, malls, etc. It consists of 20 members. They do all the propaganda work among the masses. ये क्या है? ये जो है कारखानों में, कार्यालयों में, स्कूलों में, बाजारों में स्थित है। इसमें आमतौर से 20 सदस्य होते हैं। वे जनता के बीच प्रचार का काम करते हैं। तो ये सबसे निचला स्तर में जो लोएस्ट ऑर्गेन है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, तो दैट इज द सेल और
प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेल भी कह सकते हैं। और ये सेल कहाँ है, किसी भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी है, कोई शॉपिंग मॉल है, हर जगह ये इसका प्रेजेंस है। तो इस तरह आप पाते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेजेंस इज फेल्ट एवरीवेयर इन चाइना के, हर जगह उसका प्रेजेंस इस तरह है। किसके आधार पर, कैसे उसका प्रेजेंस है, थ्रू इट्स सेल और प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने प्राथमिक पार्टी संगठन के द्वारा वो सब जगह मौजूद है। देन नेक्स्ट, उसके ऊपर का ऑर्गेन कौन है, सबसे नीचे तो हो गया सेल और पार्टी, प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में बोले प्राथमिक पार्टी संगठन। अब उसके ऊपर स्तर पर कौन है, उसके ऊंचे, उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर है द पार्टी कांग्रेस एट द काउंटी लेवल। पार्टी कांग्रेस काउंटी स्तर पर, काउंटी स्तर पे जो पार्टी कांग्रेस है वो है नेक्स्ट सेल या प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है ये पार्टी कांग्रेस एट द काउंटी लेवल। तो ऑल द पीपीओस मीनिंग द प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इन द काउंटी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द पार्टी कांग्रेस। इट इज इलेक्टेड बाय ऑल द पीपीओस मीनिंग प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इन अ जनरल मीटिंग फॉर 2 years टाइम। पार्टी कांग्रेस इलेक्ट्स द डेलीगेट्स ऑफ द प्रोविंशियल पार्टी कांग्रेस। प्रोविंशियल पार्टी ऑन कांग्रेस अब इसके ऊपर किस तरह आ जाएगा, तो उसको इलेक्ट करता है पार्टी कांग्रेस। तो सभी प्राथमिक पार्टी संगठन को जो काउंटी में होते हैं वो पार्टी कांग्रेस की देखरेख में काम करते हैं, और वो पार्टी कांग्रेस की देखरेख में काम करते हैं और पार्टी कांग्रेस को सभी प्राथमिक पार्टी संगठन सामान्य बैठक में 2 वर्ष के लिए चुनता है। और पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रांतीय पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रांतीय पार्टी कांग्रेस अब हम लोग नेक्स्ट एग्जामिन करेंगे। तो सबसे नीचे का हो गया प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोले प्राथमिक पार्टी संगठन, उसके ऊपर हुआ पार्टी कांग्रेस एट काउंटी लेवल, पार्टी कांग्रेस काउंटी स्तर पर। अब इसके ऊपर के स्तर में कौन आ जाता है, इसके ऊपर के स्तर में आ जाते हैं द पार्टी कांग्रेस एट द प्रोविंशियल लेवल, ये है प्रांतीय स्तर पर पार्टी कांग्रेस। अब ये क्या है, एट द प्रोविंशियल लेवल देयर आर प्रोविंशियल पार्टी कांग्रेस, इट इज इलेक्टेड बाय द पार्टी कांग्रेस एट द काउंटी लेवल्स विद इन द प्रोविंसेस। All the party congresses that are within the provinces for a term of 3 years. It elects the delegates of the national party congress. तो प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय पार्टी कांग्रेस होती है, इसे प्रांत की पार्टी कांग्रेस रिकॉर्डी लेवल्स पे है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए चुनती है। और ये पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जिसके ऊपर के, इसके ऊपर के स्तर पे जो आएगा के प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये फिर पार्टी कांग्रेस अपने ऊपर के जो है स्तर वो नेशनल पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उसको चुनते हैं, उसके जो प्रतिनिधि हैं उसको चुनते हैं। तो नेक्स्ट कौन आ गया, नेशनल पार्टी कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस। The National Party Congress is the highest organ of the Communist Party of China. It is elected by the Provincial Party Congress for a term of 5 years. It determines party policies. It carries out its work through its Central Committee. अब ये जो है ना, जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है चीन में, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च अंग है, राष्ट्रीय स्तर पर है, ये सर्वोच्च अंग है। ये 5 वर्षों के लिए प्रांतीय पार्टी कांग्रेस द्वारा चुना जाता है, पार्टी कांग्रेस एट प्रोविंशियल लेवल वो चुनता है मेंबर्स ऑफ द नेशनल पार्टी कांग्रेस के। यह पार्टी के नीतियों को निर्धारित करता है नेशनल पार्टी कांग्रेस। ये सारे जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, ये सारे नीति क्या रहेंगे पार्टियों के वो सारे निर्धारित यही करता है। या केंद्रीय समिति
के माध्यम से अपना काम है, काम करता है। फिर इसके पास क्या है, एक केंद्रीय कमिटी है, केंद्रीय समिति है, उसके माध्यम से ये काम करता है। देयर इज अ सेंट्रल कमिटी एंड इट कैरीज आउट इट्स वर्क विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रल कमिटी। तो नेशनल पार्टी कांग्रेस को के पास क्या है, सेंट्रल कमिटी एंड इट वर्क्स थ्रू इट्स सेंट्रल कमिटी, केंद्रीय समिति है। तो ये क्या गया, सेंट्रल कमिटी, केंद्रीय समिति। सेंट्रल कमिटी इज इलेक्टेड बाय द नेशनल पार्टी कांग्रेस फॉर टर्म ऑफ 5 years। इट इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड अदर सेंट्रल ऑर्गन्स ऑफ द पार्टी। इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है सेंट्रल कमिटी, जो केंद्रीय समिति है, का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करता है, पार्टी के विभिन्न केंद्रीय अंगों का चुनाव इसी के द्वारा होता है, यह केंद्र सरकार के विभिन्न शाखाओं के कार्य का मार्गदर्शन करता है। तो ये सेंट्रल कमिटी जो केंद्रीय समिति है, इसके ये सारे कार्य हैं। फिर हम लोग और ऊपर जाते हैं, अब क्या है, इज ए पॉलिट ब्यूरो एंड स्टैंडिंग कमिटी। पॉलिट ब्यूरो है और स्थाई समिति है। इन द हायरार्की ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, पॉलिट ब्यूरो इज रियली पावरफुल ऑर्गन एंड इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल कमिटी। वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग पॉलिट ब्यूरो है, जिसे केंद्रीय समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। द स्टैंडिंग कमिटी इज द रियल सेंटर ऑफ पावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ टॉप रैंकिंग लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। स्थायी समिति सत्ता के वास्तविक केंद्र है, क्योंकि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष रैंकिंग वाले नेता होते हैं। तो ये इसमें सारे जितने भी टॉप रैंकिंग लीडर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सब के इसमें रहते हैं, स्टैंडिंग कमिटी में होते हैं। द जनरल सेक्रेटरी इज द टॉप लीडर एंड वील्ड्स सुप्रीम पावर इन द चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। जो महासचिव है, महासचिव शीर्ष नेता है और चीन के राजनीतिक व्यवस्था में इनकी सर्वोच्च शक्ति होती है, जो महासचिव है। एंड हु इज द करेंट जनरल सेक्रेटरी, द करेंट जनरल सेक्रेटरी इज शी जिनपिंग, हु टुक ऑफिस इन 2012 एंड वाज री इलेक्टेड इन 2017। वर्तमान महासचिव शी जिनपिंग है, जो 2012 में पदभार संभाला और 2017 में फिर से चुने गए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे जो टॉप रैंकिंग लीडर्स हैं, वो सब इसी पॉलिट ब्यूरो और उसके स्टैंडिंग कमिटी में वहाँ पर ये लोग होते हैं। नाउ देयर इज अ सेंट्रल कमीशन एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो केंद्रीय आयोग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्या सचिवालय। The Central Commission has responsibility to maintain discipline in the party. केंद्रीय आयोग सदस्य के बीच में अनुशासन बनाने की जिम्मेदारी इनकी है। The Secretariat looks after the routine work of the party. Administration, party administration looks after the routine work of the party administration and works under the direction of the Politburo, स्टैंडिंग कमिटी एंड जनरल सेक्रेटरी। सचिवालय जो है वो पार्टी प्रशासन का काम देखता है और पॉलिट ब्यूरो स्थायी समिति और महासचिव के निर्देश में कार्य करता है। इस तरह से ये सारा सेटअप है यहाँ का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज सेटअप इन दिस वे। सबसे नीचे में, सबसे पहले जो हम आपको बताएं, वो सबसे नीचा स्तर है और धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाते गए, वो यहाँ पर लिखने में वो सारा नीचे आ रहा है। सबसे नीचे स्तर पर सेल है या प्राइमरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे ऊपर में ये सारे आ गए हैं, पॉलिट ब्यूरो, स्टैंडिंग कमिटी, द सेंट्रल कमीशन एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
The Communist Party of China does what did you find? That the Communist Party of China is a well-organized political party. It is a tightly organized party on the basis of principle of democratic centralism. Its structural organization reflects the arrangement of wheels within a wheel. इस तरह से इनका सेटअप है कि जो संरचना है इनकी जो संगठन है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक अच्छी तरह से संगठित राजनीतिक पार्टी है, वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर संगठित पार्टी है, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सिद्धांत पर संगठित पार्टी है। इसकी संरचनात्मक संगठन पहियों के भीतर पहिया की व्यवस्था को दर्शाता है, हर के वहां अंदर से फिर दूसरा निकल रहा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद उसके ऊपर वाले, और सब नीचे वाले जो ऑर्गन है वो अपने ऊपर वाले ऑर्गन को इलेक्ट कर रहे हैं, उनको इलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप है, मगर जो ऊपर वाला है वो टोटली कंट्रोल कर रहा है अपने नीचे वाले को, इसलिए देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड। ये सेंट्रलिज्म भी है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का इस तरह से वो सेटअप। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी कम्युनिस्ट पार्टी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे और इसके आगे फिर कम्युनिस्ट पार्टी का रोल एग्जामिन करेंगे। ओके देन, थैंक यू।